तो दोस्तों आज हो गई है 16 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गुजरात बीजेपी में घमासान बढ़ा है, कई विधायक हो सकते हैं बागी, किया गया है बड़ा दावा। पिछली कैबिनेट के सभी दिग्गज होंगे बाहर, नितिन पटेल भी हो सकते हैं कैबिनेट से बाहर, आप लोगों को बताते चलें। गुजरात में नेतृत्व में बदलाव के बाद बुधवार को होने वाला कैबिनेट विस्तार फिलहाल के लिए टाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट विस्तार से पहले पार्टी में अंदरूनी कलह की बातें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं, जिसको लेकर के पार्टी के कई नेता नाखुश बताए जा रहे हैं, और इसी वजह से मंत्रियों का शपथ ग्रहण यहां पर आज तक के लिए टाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुरानी कैबिनेट के सभी पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा, नई कैबिनेट में 27 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि आज यहां पर शपथ ग्रहण होगा नई कैबिनेट का। और वहीं कई नाराज विधायक यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी के घर पर भी पहुंचे हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मंत्री पद से हटाए जाने की आशंका की वजह से कई बीजेपी विधायकों ने विरोध का झंडा उठा लिया है, जिसके बाद यहां पर विवाद खड़ा हो गया है। और गुजरात में कैबिनेट गठन से पहले बीजेपी में भारी बगावत यहां पर होती हुई नजर आ रही है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। कोविड के दौरान लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था तो क्या सरकार भी देशद्रोही है, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने पूछा है तीखा सवाल, आप लोगों को बताते चलें। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के मोर्चे पर शुरू में खराब प्रदर्शन के लिए देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। टैक्स फाइलिंग वेबसाइट में आ रही गड़बड़ियों के चलते सरकार और निजी फर्मों की नाराजगी का सामना कर रही इंफोसिस समेत आईटी कंपनियों के बचाव में राजन ने ऐसी बात कही है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आरएसएस से जुड़ी एक पत्रिका ने इंफोसिस पर हमला बोला था और उसको यहां पर देशद्रोही करार दिया था। इसी पूरे मामले पर यहां पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को और कहा है कि कोविड के दौरान तो यहां पर अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई, तो क्या सरकार को भी देशद्रोही करार दे दिया जाए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत बोले यूपी में आ गए हैं बीजेपी के चाचा जान, उनका सहारा लेगी बीजेपी, ये सब ए और बी टीम है, आप लोगों को बताते चलें। यूपी में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी में अपनी सभाएं भी यहां पर तेज कर दी हैं। वह अपनी सभाओं में बीजेपी पर जमकर के बरस रहे हैं और बीजेपी की असलियत जनता के सामने रख रहे हैं। राकेश टिकैत अपनी सभाओं में बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस तरह के हथकंडे अपना सकती है, वह इन सभी चीजों को लेकर के किसानों को आगाह कर रहे हैं। यूपी के बागपत में एक सभा में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के चाचा जान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, यह उसका सहारा लेंगे, इनका उसको आशीर्वाद प्राप्त है, वह गाली देगा, यह मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वह किसानों को यहाँ बर्बाद करेगा, यह सब ए और बी टीम है, आपको इनकी चाल समझने की बहुत जरूरत है, ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। आप लोग राकेश टिकैत के इस बयान से सहमत हैं या नहीं जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा ये झूठे हिंदू हैं, धर्म की दलाली करते हैं, आप लोगों को बताते चलें। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के 38वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संगठन के नए लोगों और ध्वज का यहां पर लोकार्पण किया है, और वहीं इस कार्यक्रम में जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के आरएसएस को निशाने पर लिया है राहुल गांधी ने, आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को धर्म का दलाल बताया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं, जहां पर भी ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं,
तो कहीं दुर्गा को मारते हैं, फिर कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू नहीं हैं। और वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मोदी की पूरी जिंदगी झूठ पर ही आधारित है, उन्हें सच से बहुत डर लगता है। ये यहां पर जबरदस्त हमला किया है राहुल गांधी ने। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस का प्लान, जूते पॉलिश करेगी और पानी में तलेगी पकौड़े। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को यहां पर खास तरह से मनाती है, लेकिन बीजेपी से इतर कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। और वहीं आप लोगों को बताते चले, पिछले साल भी जबरदस्त तरीके से काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था प्रधानमंत्री मोदी को, और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हुआ था बेरोजगार दिवस। आप लोगों को बताते चले, यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ठेला लगाएंगे, जूता पॉलिश करेंगे और पानी से पकौड़े तलेंगे। क्योंकि आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि देश में रोजगार है नहीं, लोगों के पास यहां पर कोई भी काम धंधा नहीं रह गया है, जिनकी नौकरियां थी वो भी लगातार बेरोजगार हो रहे हैं और सबके लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस यहां पर मनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ट्रिब्यूनलों में चुनिंदा नियुक्ति पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की चेतावनी। आप लोगों को बताते चलें, ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस बार नियुक्ति के तौर तरीकों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक चयन कमेटी के द्वारा चुनी और सिफारिश की गई सूची में से चुनिंदा नियुक्ति क्यों की जा रही है। चयन कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। अदालत ने देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में की गई नियुक्तियों को लेकर के केंद्र को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी यहां पर दे दी है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जल्द ही सिफारिश की गई सूची से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो वह केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला यहां पर शुरू कर सकती है। देख सकते हैं कि जबरदस्त फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और यहां पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार पर भड़के हैं CGI NV रमन्ना। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, अखिलेश यादव ने बदली है मुलायम के MY फार्मूले की परिभाषा, कहा यही दिलाएंगे जीत। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समेत सभी प्रमुख दल अपने अभियान में जुट गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी की चर्चित MY फार्मूले की परिभाषा बदलते हुए कहा है कि यही दोनों प्रदेश में सपा की सरकार बनवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक TV चैनल को दिए इंटरव्यू में MY फार्मूले को नया नाम दे दिया है। महिलाओं और युवाओं को रिझाने की कोशिश में जुटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हम नेताजी के फार्मूले पर काम नहीं कर रहे हैं, नेताजी ने जो MY का फार्मूला बनाया था उसे हम लोगों ने बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि अब M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ है, यही दोनों मिलकर के आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे सपने दिखाती है, लेकिन अब BJP के दिन चले गए हैं और प्रदेश की जनता यूपी में अब बदलाव चाहती है। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। और जबरदस्त तरीके से बरसे हैं योगी सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, उपचुनाव से पहले भवानीपुर पहुंची है ममता बनर्जी। गुरुद्वारा पहुंच करके किसानों के आंदोलन का किया है समर्थन। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। और वहीं इस बीच ममता बनर्जी भवानीपुर पहुंची हैं और पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि हम किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं, केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को यहां पर वापस लेना चाहिए, ये यहां पर मांग कर दी है पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के लिए मसीहा बने अभिनेता सोनू सूद से जुड़े दफ्तरों पर मुंबई और लखनऊ में आयकर विभाग का धावा। आप लोगों को बताते चलें, अभिनेता सोनू सूद से जुड़े कई दफ्तरों पर आयकर विभाग ने धावा बोला है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई और लखनऊ में करीब आधा दर्जन दफ्तरों पर आयकर विभाग की टीमें पड़ताल करती हुई नजर आई। सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी देश भर के जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड बीटीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।